हरे कृष्णा, नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी वॉइस। तो हम लोग जा रहे हैं, दीदी कहाँ जा रहे हैं मुझे तो बता दे, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए। हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए 9 दिन के ट्रिप के लिए, 9 से 10 दिन के ट्रिप के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें जाने का वहाँ मौका मिल रहा है। हम लोग नहीं जा रहे थे पहले बिकॉज ऑफ सम इशू, एक्चुअली ट्रेन की टिकट्स बुक हो चुकी थी और हम लोग लेट हो गए थे, बट हमारे प्रभु जी ने हमारे लिए अरेंजमेंट करा थोड़ा और उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका मन है तो आप चलिए, और जगन्नाथ भगवान की इच्छा थी कि हम आए शायद, तो इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ। तो आज हम जा रहे हैं और इस वक्त बज रहे हैं अभी सुबह के 9:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि हमें दर्शन करने थे और किसी और को भी करवाने थे। किसको करवाने थे मैं आपको मिलाती हूँ। हमारे साथ है सोनाली भट्ट। तो हम लोग सोनाली को दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं। सोनाली मंदिर, इस मंदिर में कभी उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, तो दर्शन करने के बाद सीधे हम जा रहे हैं यहाँ से रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है 10 बजे की, उसके बाद हम सीधे यहाँ से जाएंगे दिल्ली। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आने वाला है पूरे ट्रिप में, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी देखें कि हम, और बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे, तो मतलब बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इतने सारे भक्तों के साथ जाने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का बुलावा है और उन्होंने मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हुआ लिटरली कि हम जगन्नाथ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी अचानक और ऐसा प्लान बनाया, मतलब भगवान ने मतलब जो भी लीला रची कि नहीं था बिल्कुल प्लान और अचानक हुआ और प्रभु जी के द्वारा, हमारे प्रभु जी की वजह से, हमारे प्रभु जी के द्वारा और जगन्नाथ भगवान के द्वारा हमें जगन्नाथ जाने का सौभाग्य मिला है। तो मतलब बयान नहीं कर सकते हम क्या बोले, अपनी खुशी समझ सकते हैं। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखाओ। हरे कृष्णा, तो गाइस ट्रेन आ चुकी है दिल्ली के लिए, हमारा है D1 का डब्बा। दर्शकों, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, साथ ही है और हमारे साथ माधव जी बैठे हैं और सोनाली और दी है पीछे सीट पे। तो दर्शकों, हम निकल चुके हैं बट प्रभु जी लोग, हमारी जो टीम है और लोग जो है हमारे साथ, भक्त लोग, वो सब कुछ आगे कुछ पीछे, तो इस तरह से डिवाइड हो चुके हैं। तो दर्शकों,
दी माला जप कर रही है। सुबह से हमें मतलब नहीं हो पाया था, सुबह बहुत काम था टाइम, तो मैं भी जा रही हूँ अब माला जप करने। आपको मिलता है थोड़ी देर में कुछ। हेलो दर्शकों, तो अभी दिन के 2 बज गए हैं और हम लोग तब से स्टिल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और हमने किसी ने माला नहीं की थी सुबह, इसलिए हमने माला की। अद्दी अभी भी गर्श है और इतनी नींद आ रही थी तो झपकी भी लग गई। देखते हम कब तक दिल्ली पहुँचते हैं। 4 बजे, 4:30। अरे राम 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 राम, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। प्रभु जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, ठंडा पानी है। चार्ज लगा रहा है। तो हम खा रहे हैं बर्गर, ये पूरी के अंदर आलू मैश करके हमने ऐसे डाला, इसे बोलते हैं बर्गर। गाइस ये पराठे दिए हैं प्रभु जी ने भिजवाए हैं आलू के पराठे, मिक्स वेज पराठे, इसमें सब्जी मिक्स है, बहुत अच्छे हैं। प्रभु जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं हम सबका। आवाज़ नहीं आ रही मगर दर्शकों, तो हमने लंच कर लिया है और हम लोग बैठे हैं थोड़ा पीछे, प्रभु जी लोग बैठे हैं थोड़ा आगे, तो प्रभु जी लोग पीछे आके अभी पहले वो प्रभु जी हमारे पूड़ी और सब्जी, पूड़ी आलू की सब्जी, तब आलू के पराठे भिजवाए हैं प्रभु जी ने, जो बहुत टेस्टी है और आनंद आ रहा है प्रसाद पाके। तो ये लोग अभी तक खाने में है प्रसाद, क्योंकि इनका पेट नहीं भर रहा है, और प्रभु जी लोग बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली की तरह नहीं, बिल्कुल फैमिली, बिल्कुल फैमिली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं अभी शाम के, आई थिंक 3 बज चुके हैं, और हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली 4:30 बजे तक, फिर देखते हैं कि क्या होगा। यू आर गोइंग जगन्नाथ जी, ज़्यादा एक्साइटेड एक्साइटमेंट में सब बोल गाइज। हम अभी पुरानी दिल्ली पहुँच चुके हैं और अब हम जाने हैं नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली से हमारी ट्रेन है कहाँ की? जगन्नाथपुरी, लद्दाख। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, हरी बोल हरी बोल। अभी हम थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोग इस बीच में क्या करने वाले हैं आप देखिए, और देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, बने रहिए व्लॉग में। काम चल रहा है या ज्यादा पता नहीं। हेलो माता जी, हरी बोल। कृष्णा हरी बोल। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। अच्छा, प्राप्त हुआ है दर्शन हमको। हाँ, फिर अभी अचानक से हम पर प्रभु की कृपा हुई, और हमारे प्रभु जी, दोनों प्रभु जी, हमारे हमारे आगे प्रभु जी और जगन्नाथ। दर्शक आप पहुँच चुके हैं पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब हम जा रहे हैं नीचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन तो हमने रास्ते में संकीर्तन भी किया और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली न्यू दिल्ली और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमें जाना है वहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन है और अभी हमें स्टिल वन डे और ट्रैवल करना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है जगन्नाथ जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी, माता जी फोन पे नहीं बिजी रहना है। हरे कृष्णा। ये भौतिक भौतिक सुखों को छोड़ दीजिए, ये टेम्परेरी सुख है। असली असली सुख किसमें है? हरि बोल।
तो दर्शकों यहाँ भोजन पाने से पहले मंत्र पढ़ा जा रहा है। एक गुलाब जामुन के कितने हिस्से हो रहा है? चार चार। इसे बोलते हैं मिल बांट के खाना। हरी बोल हरी बोल। खाओ खाओ। हेलो दर्शकों, तो हमने प्रसाद पा लिया है रात का और अभी बज रहा है 9 और प्रभु जी लोग पा रहे हैं प्रसाद। तो हम माताएं जी लोग आई थी वॉक करने। हमने सोचा कि 9 बजे आप हमारी ट्रेन बची थी 11 बजे आ रही थी, तो हमने सोचा तब तक थोड़ा सा वॉक कर ले और मे बी अभी और संकीर्तन करेंगे। वंदे मातरम। ट्रेवल करेंगे कल रात भर इसी ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, परसों मॉर्निंग में पहुंचेंगे।